हे गाइस वेलकम टू एसएससी बाबा एसएससी बाबा में आपका स्वागत है सो दिस इज माय एट लेक्चर ऑफ माय लेक्चर हिस्ट्री लेक्चर सीरीज जिसमें मैं लेटर मुगल एंपायर के बारे में बात करने वाला हूं uh, ये इसका सेकंड पार्ट है uh, मैंने अपने लेक्चर सेवंथ में लेटर मुगल एंपायर का पार्ट वन कंप्लीट किया था जिसमें मैंने फर्रुख शेर तक आपको सारी बातें बता दी थी ठीक है जिसमें मैंने बहादुर शाह वन जहेंद्र शाह और फरूक शेयर इसके बारे में मैंने बात की थी तो जो फरूक शेयर का जो टाइम था वो था थर्टीन सेवनटीन थर्टीन से लेकर सेवनटीन नाइनटीन तक ठीक है अब जो मैं बात करने वाला हूँ मैं उन सब उन मुगल एम्पायर की बात करने वाला हूँ जो सेवनटीन नाइन्टीन के बाद आया जो फरूक शेयर के बाद आया है ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो जो फारूख सैर के बाद जो किंग बना था उसका नाम था रफ़ी उदराजत ठीक है सेवनटीन नाइनटीन में ये बना था एक्चुअली ये दो भाई थे एक था रफी उदराजत एक था रफी उद दौला ठीक है ये दोनों ही सेवनटीन नाइनटीन में किंग बने थे एक के बाद एक और इनको किंग किसने बनाया था इनको किंग बनाया था सैयद ब्रदर्स ने ठीक है किसने किंग बनाया था सैयद ब्रदर्स ने एंड ये सैयद ब्रदर्स वही हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं किंग मेकर क्या बोलते हैं हम लोग किंग मेकर ठीक है तो ये सैयद ब्रदर्स हुआ ठीक है तो सबसे पहले दराजत आया ठीक है फरूक शेर के बाद सबसे पहले दराजत आया रफ़ी उद दराजत वो आया वो एक आध महीने के लिए किंग बना और उसके बाद टी से मर गया ठीक है डाइट विद टी उसके बाद आया रफ़ी उद दौला ठीक है जिसको हम शाहजहाँ सेकंड भी बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि शाहजहाँ सेकंड किसको बोलते हैं हम रफीद रफ़ी उद दौला को ठीक है तो ये आया ये गद्दी पे बैठा इसने दो तीन महीने राज किया फिर जो सैयद थे ना उसी ने ही आ, इसको रफीउद्दौला को मार दिया ठीक है सैयद ही रफीउद्दौला को मार डाला था ठीक है चले अब क्या हुआ कि दराजत भी मर गया दौला भी मर गया अब इसके बाद जो आता है ना उसका नाम होता है मोहम्मद शाह रंगीला ठीक है अब जो मोहम्मद शाह रंगील है उसका टाइम पीरियड चलता है सेवनटीन नाइनटीन से लेकर सेवनटीन फोर्टी एट तक सत्रह सौ उन्नीस से लेकर सत्रह सौ अड़तालीस तक ठीक है और मोहम्मद शाह रंगीला का जो सेकंड नाम होता है ना सेकंड नेम होता है वो होता है रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला को रोशन अख्तर भी बोलते थे ठीक है अब ये गद्दी में कैसे आया भाई ये भी गद्दी में आया ठीक है सैयद ब्रदर्स की वजह से ठीक है सैयद ब्रदर्स ने ही इसको किंग बनाया ठीक है बट लेकिन जो मोहम्मद शाह रंगीला था ना ये थोड़ा सा चलाक टाइप का बंदा था ठीक है तो इसने क्या किया इसने सैयद बुद्धस को ही मरवा डाला सैयद बुद्धस को किंग बनने के बाद सैयद बुदस को ही मरवा डाला दोनों भाइयों को मरवा डाला क्यों क्योंकि इसने देखा था कि मतलब इसको अब इस पर भरोसा नहीं था इसने देखा था कि जो सैयद ब्रदर्स है ना इसने जो तो लास्ट किंग एम्पायर था उसको भी मरवा डाला था ठीक है तो उसको ये एक मन में बात थी डर था कि ये मुझे ना बात मुझे ना मुझे भी ना मरवा डाले ये दोनों भाई तो इसने क्या किया इसने दोनों भाइयों को मरवा डाला ठीक है अब क्या होता है कि मोहम्मद शाह रंगीला की एक वाइफ होती है उसका नाम होता है रहमत उन निशा ठीक है कहते हैं कि काफ़ी सुंदर वाइफ होती है अब क्या होता है ना कि जो रंगीला जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा रंगीन हिसाब का बंदा था मतलब उसको ही इज़ नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था तो इसकी जो वाइफ थी ना ये रहमत उन निशा तो इसका इन्फ्लुएंस होता था हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में जो उस टाइम मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था ना तो वो एक तरीके से uh, इसकी वाइफ का इन्फ्लुएंस होता था उसमें ठीक है तो इसके वाइफ का नाम क्या है रहमत उन निशा ठीक है अब क्या होता है ना कि मोहम्मद शाह रंगीला को मैरी मेकर भी बोलते हैं एक्चुअली इसने क्या किया है ना इसने बहुत सी शादी किया बहुत ज़्यादा शादियाँ किया तो अब इसके नाम से पता चल रहा होगा रंगीला ठीक है रंगीला ठीक है <laughs> तो इसने क्या किया इसने बहुत सारी शादी किया है तो आप जब भी अगर इसका नाम सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको क्या है जब भी कोई भी फोटो दिखेगी ना तो इसके साथ चार पांच इसकी दासियां साथ में या फिर वाइफ्स बेबियाँ इसके साथ में दिखेंगी ठीक है तो ये थोड़ा सा रंगील टाइप का बंदा था तो और इसको मैरी मेकर बोलते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन आता है कि मैरी मेकर किसे बोलते हैं और चार ऑप्शन होता है तो मोहम्मद शाह रंगीला को बोलते हैं या फिर रोशन अख्तर को बोलते हैं इसका सेकेंड नाम है ठीक है अब क्या हुआ सेवनटीन ट्वेंटी फ़ोर में एक बंदा था ठीक है जिसने हैदराबाद बनाया था उसका नाम था निज़ाम ठीक है अब क्या होता था कि ये जो था ना सेवनटीन ट्वेंटी फोर से पहले पहले निज़ामुल मुल्क जो है मोहम्मद शाह रंगीला के साथ काम करता था ठीक है उसके साथ उसके साथ काम करता था अब क्या हुआ ना कि अब इसकी मोहम्मद शाह रंगीला जो था अब इसको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तो था नहीं तो इसको इस मुगल एम्पायर के या फिर अपना जो पूरा शासन था उसकी कोई फिक्र तो थी नहीं ठीक है तो अब क्या था ये जो बंदा था निज़ामुल मुल्क जो कि हैदराबाद का फाउंडर था ठीक है अब वो इरीटेट हो जाता हो जाता है ठीक है इसके एटीट्यूड से इसका केयर फ्री एटीट्यूड से ये इरीटेट हो जाता है ठीक है और ये रंग, रंगीला को छोड़ देता है कहता है कि भाई ठीक है मतलब मैं अप, मैं अपने रास्ते में अपना काम करता हूँ तुम अपना अपना संभालो मैं अपनी जगह संभालता हूँ तो ये अलग हो जाता है किससे रंगीला से सेवनटीन ट्वेंटी फोर में ठीक है चले अब 1739 में क्या होता है एक नादिर शाह नाम का बंदा होता है ठीक है, है ये एक फॉरनर होता है ठीक है नादिर शाह ठीक है और ये पर्सिया का शाह होता है या वी कैन से किंग होता है पर्शिया का पर्शिया क्या यहाँ पर है ये ईरान में ठीक है ईरान में क्या है पर्शिया ठीक है अब क्या होता है ये जो नादिर शाह होता है ना ये अटैक कर देता है मुगल आर्मी पे ठीक है मुगल आर्मी पे अटैक कर देता है आ, किस कौन सी बैटल पे बैटल ऑफ करनो कर, कर, करनाल ठीक है बैटल ऑफ करनाल पे ये अटैक कर देता है ठीक है और मुगल आर्मी को वहाँ 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 पे हरा देता है ठीक है तो नादिर शाह जो है मुगल आर्मी पे अटैक कर देता है कौन सी बैटल पे? बैटल ऑफ करनाल पे, और मुग़ल आर्मी को हरा देता है किसकी हेल्प से एक नॉबल हुआ करता था सद्दत खान ठीक है जो कि अवध का फाउंडर था ठीक है उसकी हेल्प से तो किसकी हेल्प से ये हराता है मुगल आर्मी को बैटल ऑफ करनाल में किसकी हेल्प से सद्दत खान के हेल्प से जो कि है फाउंडर ऑफ अवध ठीक है मैं हर एक एक आपको डिटेल बता रहा हूँ एक एक मान्यू डिटेल आपको मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना ठीक है अब क्या होता है ना कि अब नादिर शाह जो है मुगल आर्मी को हरा तो देता है बैटल ऑफ करनाल में करनाल जो है दिल्ली के पास एक जगह है ठीक है हरियाणा में आता है ये तो वहाँ पे ये हरा देता है अब ये क्या करता है दिल्ली की तरफ चलता है और दिल्ली पे अटैक कर देता है ठीक है करनाल पे मुगल आर्मी को हराने के बाद ये दिल्ली पे अटैक कर देता है अब दिल्ली पे अटैक तो कर दिया ठीक है अब दिल्ली पे जैसे उसने अटैक किया ना तो वहाँ पे इसने दो चीज़ें देखी एक तो पीकॉक पीकॉक थ्रोन देखा जो कि बहुत सुंदर इसको लगा और दूसरा वो डायमंड देखा कोहिनूर डायमंड जिसे हम लोग के नाम से जानते हैं वो डायमंड देखा इसने तो इसने क्या किया इसने पीकॉक थ्रोन और कोहनूर डायमंड जो है चुरा लिया और पीकॉक थ्रोन किस टाइम से रखा हुआ था जो शाहजहाँ के पीरियड से दिल्ली में रखा हुआ था पीकॉक थ्रोन तो ये आता है दिल्ली में अटैक करता है और पीकॉक थ्रोन कोहिनूर डायमंड जो है चुरा के ले जाता है अब एक्चुअली जो कोहिनूर डायमंड है ना कोहिनूर नाम जो है उस टाइम नहीं दिया गया था ठीक है तो उस टाइम बस वो सबसे बड़ा डायमंड हुआ करता था जो कोहिनूर नाम है ना वो किसने दिया वो नादिर शाह ने दिया जब वो इसको चुरा लेता है ना तो इसको वो नाम देता है कोहिनूर जिसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट ठीक है क्या मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट तो ये नाम देता है उस डायमंड को कोहिनूर ठीक है क्या बोलते हैं माउंटेन ऑफ लाइट चले अब हम इसके कुछ कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि आ, इसके टाइम पे मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे क्या कौन कौन से कल्चरल डेवलपमेंट हुई थी ठीक है तो अब इसके टाइम पे जो है ना फर्स्ट उर्दू पॉइंट आया था ठीक है इसके एम्पायर पे मतलब इसके कोर्ट पे फर्स्ट उर्दू पॉइंट आया था उसका नाम था वाली डिकानी ठीक है डिकैनी वाली डिकैनी ये फर्स्ट उर्दू पोइट था जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के कोर्ट पे आया था और उसने वहाँ पे अपनी पोइट्री सुनाई उर्दू में सुनाई ठीक है तो उसको उर्दू लैंग्वेज थोड़ी पसंद आ गई तो उसने क्या किया उसने उर्दू को अपनी कोर्ट लैंग्वेज बना ली ठीक है मोहम्मद शाह रंगीला ने तो ये बात ध्यान रखने वाली ये बात है कि फर्स्ट टाइम मुगल में सबसे पहले टर्किश थी फिर पर्शियन आई ठीक है अब उर्दू आ गई तो कुछ ऐसे करके इसका एक ट्रांसफॉर्म होने लगा तो अब अब क्या हुआ रंगीला के टाइम पे उर्दू बिकम द कोर्ट लैंग्वेज ठीक है उसी कोर्ट की लैंग्वेज क्या हो गई उर्दू हो गई अब उर्दू क्या है वो मिक्सर है किसका पर्शियन और हिंदी का ठीक है उर्दू क्या है मिक्सर है पर्शियन और हिंदी का हिंदी और पर्शियन का मिक्सचर है ठीक है अब सेकेंड बात जो सेकेंड uh, डेवलपमेंट जो उसके वहाँ पर हुआ तो एक ख्याला ठीक है ख्याला नाम का एक क्लासिकल uh, सिंगिंग है ठीक है जो uh, एक न्यू फॉर्म ऑफ क्लासिकल सिंगिंग है जो कि उस टाइम डेवलप्ड हुआ था तो ये जो फेमस है ना अभी भी राइट ना हो तो वो कहाँ पे है वो यूपी में फेमस है ये ख्याला ठीक है ये क्लासिकल सिंगिंग है उस टाइम ये डेवलप्ड हुआ था ठीक है तो ख्याला क्या है एक क्लासिकल सिंगिंग है जो कि उस टाइम डेवलप्ड हुआ था ठीक है अब इसके टाइम पे दो फेमस म्यूजिशियन थे ठीक है इसके कोर्ट में तो उनका नाम था एक का नाम था निज़ामत खान और एक का नाम था फिरोज़ ख़ान ठीक है तो मोहम्मद शाह रंगीला के आ, के कोर्ट में दो फेमस म्यूजिशियन थे एक का नाम था निजामत खान दूसरे का नाम था फिरोज खान ठीक है तो ये आ, इसके बारे में ये कुछ कल्चर डेवलपमेंट थी अब क्या होता है कि न, आ, 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला जो है अब मर जाता है ठीक है अब इसके बाद आता है हमारा कौन इसके बाद आता है हमारा अहमद शाह ठीक है अब इसके बाद आता है हमारा अहमद शाह ठीक है अब इसके टाइम पे इसका जो टाइम पीरियड है 1748 पे हमारा रंगीला मर गया अब 1748 से 54 तक अहमद शाह राज करता है गद्दी पे बैठता है मुगल किंग कौन बनता है अहमद शाह बनता है ठीक है अब इसके टाइम पे एक बंदा था अहमद शाह अब्दाली ये भी एक फाउंडर था तो अहमद शाह अब्दाली का मेनली काम क्या था ये इंडिया में आता था इंडिया को लूटता था और चला जाता था आता था लूटता था चला जाता था तो अब ये जो है ना सेवनटीन में आठ बार इंडिया आया ठीक है आठ बार इंडिया आया तो और इंडिया को लूट के गया क्या नाम है अहमद शाह अब्दाली अब ये अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह ये दोनों अलग अलग है अहमद शाह अब्दाली एक फॉरनर था और अहमद शाह ये मुगल एम्पायर था ठीक है तो ये बात ध्यान रख यहाँ ध्यान रखना ठीक है तो अहमद शाह अब्दाली कौन था फाउंडर था और अहमद शाह कौन था ये मुगल एम्पायर था ठीक है तो सेवनटीन फोर्टी एट में आठ बार आ, ये अहमद शाह अब्दाली इंडिया आया और इंडिया को लूट के गया ठीक है और वैसे अहमद शाह अब्दाली सेवनटीन एट से सेवनटीन सिक्सटी सेवन तक इंडिया आता रहा और लूटता चला आ, आता रहा और लूटता लूटता गया आता रहा और लूटता गया ठीक है तो बीस साल तक इसने इंडिया को एक्सप्लोर्ट किया है ठीक है इंडिया को मुगलों को वहाँ के राजाओं को आता था राजाओं को हराता था ठीक है मुग़लों को हराता था उनसे जित जो भी अशरफियाँ होती थी या जो भी कुछ होता था वहाँ से चुरा के ले जाता था मतलब उनसे लेके ले जाता था तो उसका यही काम होता था ठीक है तो अब अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली के डर से या फिर कह सकते हैं कि वो इतनी बार आ गया था ना तो उसने जो एक नॉर्थ वेस्ट का एरिया था ना वो छोड़ ही दिया था ठीक है तो अहमद शाह अहमद शाह गिव अवे एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट आफ्टर सो मैनी अटैक ऑफ अब्दाली ठीक है ये बात समझ में आ गई ठीक है अब क्या था अहमद शाह की मम्मी थी मदर थी ठीक है क्वीन मदर थी जिस, जो कि क्या थी एक फेमस डांसर भी थी उनका नाम था क्या उधम बाई ठीक है उदम बाई तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं उदम बाई कौन थी ये अहमद शाह की वाइफ वो मदर थी ठीक है अहमद शाह की मदर थी और एक फेमस डांसर थी और इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था वो टाइटल क्या था बेगम ठीक है तो वो टाइटल क्या था बेगम तो इनके बारे में अक्सर आ जाता है क्वेश्चन में कि उधम कौन थी उधम अहमद शाह की मदर थी एक फेमस डांसर भी थी और इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था आ, बेगम, ठीक है कुत्साई बेगम ठीक है अब क्या हुआ कि अहमद शाह जो होता है ना अब अहमद शाह को मार देते हैं ठीक है थीके? अब अहमद शाह को मार देते हैं कौन मारता है इमाद उल मुल्क ठीक है ये जो नेक्स्ट रूलर होता है ना आलमगीर टू उसका वजीर होता है ठीक है तो ये मराठा की हेल्प से अहमद शाह को मार देता है सेवनटीन फिफ्टी फोर पर और इसके बाद जो किंग बनता है उसका नाम होता है आलमगीर टू ठीक है तो उसके अहमद शाह अहमद शाह के बाद जो किंग बनता है उसका नाम होता है आलमगीर टू ठीक है अब आलमगीर टू के बारे में मैं आपको आ, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा सो so, अहमद शाह के बारे में बस इतना ही बहुत है ठीक है और इसके बाद चार और एम्पायर बजते हैं चार और मुग़ल बजते हैं लेटर मुग़ल एक आ, उनका नाम है आ, एक बसता है आलमगीर टू फिर शाह आलम सेकेंड आता है ठीक है उसके बाद अकबर टू आता है एंड देन हमारा जो लास्ट मुग़ल है उसका नाम है बहादुर शाह जाफ़र वो आता है ठीक है अब इन चार मुग़ल के बारे में मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा फिर मेरा ये लेटर मुग़ल्स और पूरा मुग़ल हिस्ट्री बहुत डेप्थ से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके होंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही सो थैंक यू अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ प्लीज़ ओके बाय टेक केयर